वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर एक अजीब घटना होने के बारे में खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इस तरह की घटना पहले उन्होंने कभी मंगल ग्रह पर होते नहीं देखी थी, या किसी और दूसरे ग्रह पर भी इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी। और वैज्ञानिकों ने आगे जो खुलासा किया वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस तरह की घटना आमतौर पर हमारे सूरज में होती है। तो आखिरकार वो कौन सी घटना है जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है? इसी घटना के बारे में बात होगी हमारे इस खास वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक महना मिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मंगल ग्रह पर अचानक ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसको देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया कि यह घटना आम तौर पर किसी दूसरे ग्रह पर नहीं दिखी है, लेकिन सूरज पे यह घटना कई बार देखी गई है और लगातार देखी जाती है। अगर सूरज पे यह घटना ना हो तो सूरज की ऊष्मा खत्म हो जाए और उससे आने वाले तपिश खत्म हो जाए। तो वैज्ञानिक अब ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि जो चीज सूरज पर हो रही है वो मंगल ग्रह पर क्यों हो रहा है? क्या मंगल ग्रह में ऐसी कोई खासियत है जिससे इसकी तुलना सूरज से की जा सकती है? तो आखिरकार अगर मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल का एक हिस्सा है, पृथ्वी भी इसी सौरमंडल का हिस्सा है, तो क्या पृथ्वी पर भी ऐसी घटना होती है? क्योंकि यह पूरी घटना मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई है, और यह घटना है कोरोनल मास इजेक्शन का। क्योंकि सूरज पर तो कोरोनल मास इजेक्शन होता है, लेकिन यह पहला वाकया है कि जब वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया, यह साबित कर दिया कि इस तरह की घटना मंगल ग्रह पर भी हो रही है। यह अलग बात है कि यह प्रायः वहां पर नहीं होती है, हमेशा नहीं होती है, लेकिन कुछ घटनाओं के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया जिसमें यह पाया गया कि हमारे मंगल ग्रह से भी कुछ मटेरियल अंतरिक्ष में जाता है। और वैज्ञानिकों ने दावा किया कि मंगल अपने वायुमंडल से अंतरिक्ष में मटेरियल फेंक रहा है, काफी कुछ उसी तरह जैसे सूरज में कोरोनल मास इजेक्शन होता है। मंगल पर ऐसा होना चौंकाता है। यह इसलिए चौंकाता है क्योंकि सूरज पर जिस तरीके से सीएमई की घटना होती है, यानी कोरोनल मास इजेक्शन होता है, तो उस तरीके का आधार मंगल ग्रह पर तो नहीं है। फिर ऐसा क्यों होता है कि मंगल ग्रह भी अपने पास से मटेरियल अंतरिक्ष में फेंक रहा है? क्योंकि इस लाल ग्रह का कोई ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब सूरज जैसे किसी तारे के चारों तरफ मौजूद आयनाइज्ड गैस में, यानी कि जो प्लाज्मा होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अचानक दिशा बदलती है या दो टुकड़ों में बट जाती है, तो ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट हो सकता है जिससे अंतरिक्ष में प्लाज्मा लॉन्च होता है। इस प्रक्रिया को ही कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर इस तरीके का कोई ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जब ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जब उसकी दिशा बदलती नहीं है, वो दो टुकड़ों में बंटती नहीं है, तो फिर इस तरीके से मटेरियल कैसे फेंक रहा है ये जो रेड प्लैनेट है? तो सूर्य जैसे तारों में देखी जाने वाली ये प्रक्रिया मंगल के ऊपरी वायुमंडल में भी देखी गई है, जो प्लाज्मा से भरा हुआ है। ऐसा तब है जब मंगल पर कहीं कहीं ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मौजूद है, यानी पूरी तरीके से ओवरऑल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कुछ कुछ जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड है, और वहीं पे जो जमा जो प्लाज्मा है वो बाहर अंतरिक्ष में पहुंच रहा है। तो आखिरकार इस प्रक्रिया के आधार में क्या है, आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य की तरह मंगल पर कोई भी ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और वैज्ञानिकों ने भी यह बताया कि अभी तक उन्होंने भी मंगल से मास इजेक्शन होते हुए नहीं देखा था। लेकिन अब ताइवान के कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि मंगल से 3 विस्फोटक मास इजेक्शन दर्ज किए गए हैं,
उन्होंने नासा के मास एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन सैटेलाइट के डाटा का इस्तेमाल किया और ये पता लगाया कि जी हाँ, मंगल ग्रह पर भी कोरोनल मास इजेक्शन होता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि 2014, 2016 और 2019 में मंगल से मास इजेक्शन हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब मंगल ग्रह से मास इजेक्शन हो रहा है, वहां से कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है, तो फिर वो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि सूरज से जब भी कोरोनल मास इजेक्शन होता है तो उसकी तपिश और उसकी चमक से समझ में आ जाता है कि वहां पर कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है। और वैज्ञानिक अपने उपकरण से, अपने टेलीस्कोप से इस कोरोनल मास इजेक्शन को देख पाते हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर इस तरीके का कोई मास इजेक्शन दिखा नहीं, जबकि जो सैटेलाइट है उसके डाटा मिले तो उसके विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों को समझ में आया था कि मंगल से भी मास इजेक्शन हो रहा है। तो उसके पीछे जो वजह बताया है वैज्ञानिकों ने, उसके मुताबिक सूर्य के मास इजेक्शन बेहद घने होते हैं, इसलिए रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं, उन्हें पृथ्वी से देखा जा सकता है। हालांकि मंगल के मास इजेक्शन को देख पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वैज्ञानिकों ने आयनोस्फीयर के उन इलाकों में देखा जहां प्लाज्मा मौजूद नहीं था। और वैज्ञानिकों को लगता है कि मंगल पर मास इजेक्शन उसके लुंज चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवा में टकराव होने से होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये इजेक्शन सूर्य की तुलना में बेहद छोटे होते हैं, इसलिए वो धरती के सैटेलाइट को प्रभावित नहीं करेंगे। अब इस रिसर्च के आधार पर दुनिया भर के जो दूसरे वैज्ञानिक हैं और खास करके जो यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि अगर मंगल के वायुमंडल में ऐसा हो रहा है तो शायद उससे मिलते जुलते अन्य ग्रहों पर भी यही होता होगा। इस खुलासे के बाद वैज्ञानिकों की दिलचस्पी मंगल ग्रह में और ज्यादा बढ़ गई है, और अब वैज्ञानिक इस दृष्टिकोण से भी सोचने में जुट गए हैं कि क्या मंगल ग्रह से लगातार इस तरीके से मास इजेक्शन हो रहा है? क्या जो वहां से मटेरियल हमारे अंतरिक्ष में पहुंच रहा है वो चिंता करने वाला है? क्या जो प्लाज्मा मौजूद है मंगल ग्रह पर, वो जो अनइवन चुंबकीय क्षेत्र है, जो अनइवन मैग्नेटिक फील्ड है, उसके और सौर हवाओं के टकराव के बाद बाहर निकल रहा है, तो क्या इसी तरीके से वहां पर जो पहले महासागर हुआ करता था, वहां पर जो जीवन की अपेक्षा की जाती है अभी कि कभी रहा होगा अरबों खरबों साल पहले, तो क्या इसी तरीके से वहां से पानी भी निकल गया? इसी तरीके से जो दूसरे गैस थे जो हमारे जीवन को आधार दे सकते थे, वो मटेरियल्स थे वहां पर, वो भी इसी तरीके से निकल गए होंगे? तो वैज्ञानिक अब इस दिशा में सोचने को मजबूर हो गए हैं कि अगर मंगल ग्रह से मास इजेक्शन हो रहा है तो क्या यही जिम्मेदार है वहां से जीवन के खत्म होने के लिए, वहां से पानी के खत्म होने के लिए, या जो दूसरे लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर्स थे, जो मटेरियल्स थे, उसके खत्म होने के लिए क्या यही मास इजेक्शन जिम्मेदार है? तो वैज्ञानिक अब अलग अलग तरीके से इस खोज में जुट गए हैं और इस मिशन में जुट गए हैं कि इस बात का पता लगाया जा सकता कि ये जो मास इजेक्शन मंगल ग्रह से हो रहा है उसका प्रभाव मंगल ग्रह पर कितना पड़ रहा है, और उसका प्रभाव क्या दूसरे ग्रहों पर भी पड़ सकता है, और क्या कोई दूसरा ग्रह जो मंगल ग्रह की तरह है वहां से भी इस तरह का मास इजेक्शन होता है। तो यही थी आज की रिपोर्ट। नमस्कार।